Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav on Tuesday laid the foundation stone of irrigation facilities in Lucknow. While speaking at the inaugural function, he said he is happy that people are becoming more aware about nature and environment. He urged people to come ahead for the betterment of rivers and other water resources. Giving an example of Chambal River and Yamuna River, Akhilesh said there is a huge difference between the conditions of both the rivers. He also appreciated the efforts taken by the irrigation department of the state government. Nadi aaj kharab hai. सबसे साफ सुथरी नदी अगर मुझे दिखाई देती है जो मैंने देखी अपनी आंखों से हालांकि बुंदेलखंड की नदियां तो हैं ही साफ सुथरी लेकिन सबसे ज्यादा साफ सुथरी अगर कोई है तो चंबल है चंबल आज भी ऐसी है कि अगर पानी ऊपर से देखना चाहे तो नदी का नीचे का पूरी की पूरी बालू दिखाई देती है और कई बार जो जानवर हैं जो मछलियां हैं जो आपकी डॉल्फिन्स हैं वो आंखों से देखी जा सकती है और कल्पना करो अगर वही नदी सब नदियां वैसी बन जाए तो कैसा होगा हमारा आसपास का इलाका और उसके बगल में ही बहती है यमुना एक तरफ साफ नदी दूसरी तरफ कितनी गंदी नदी है बिल्कुल काली नदी और आगे चले जाएं तो फिर काली नदी तो मिल ही जाएगी वो भी एक काली नदी है एनवायरमेंट के बारे में समझता हूं और यहां जितने जागरूक लोग हैं लेकिन एक अच्छी बात है हमारे समाज में धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे धीरे धीरे प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ाया है कॉरेस्पॉन्डेंट कामना फ्रॉम लखनऊ फॉर एएनआई